हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 824 नॉलेज। और आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 3 में वर्क एंड हीट के बारे में। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जीरोथ लॉ और टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बात की है, बेसिकली थ्योरी की। लेक्चर नंबर 3 में वर्क एंड हीट की थ्योरी के बाद जब हम इसके न्यूमेरिकल्स को फेस करेंगे तो वहाँ पर हम जीरोथ लॉ और टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब भी हम एनर्जी इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो किसी भी एक क्लोज सिस्टम के लिए एनर्जी जो इंटरेक्शन होता है वो दो फॉर्म्स के अंदर होता है। बेसिक जो फॉर्म्स हैं वो दो हैं, जिनमें पहली हमारे पास आती है वर्क ट्रांसफ़र और सेकेंड हमारे पास आती है उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र। तो किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं तो सिस्टम एंड सराउंडिंग इंटरेक्ट करेंगी दो तरीके से, वर्क ट्रांसफ़र के फॉर्म में और हीट ट्रांसफ़र के फॉर्म में। तो बेसिकली हम लोग को पता क्या होना चाहिए, इन दोनों का कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है। अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ एक सिस्टम की, मान लीजिए मेरे पास सिस्टम है, ये मेरे पास एक कोई भी सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं पहले वर्क के कन्वेंशंस की बात करूं जो कि स्टैंडर्ड हैं, वो किस तरीके से होंगे कि अगर किसी भी एक सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो, आप कोई भी एक सिस्टम है उस पर आपने वर्क किया, देन यू विल टेक दैट वर्क एज नेगेटिव वर्क, दैट वर्क विल टेक एज नेगेटिव वर्क। लेकिन अगर किसी सिस्टम के थ्रू हमें वर्क मिल रहा है तो उसे हम लेते हैं पॉजिटिव वर्क, दिस इज द पॉजिटिव वर्क। ऑन द अदर हैंड इसी चीज को अगर मान लीजिए मैं एक और सिस्टम यहां पे मान रहा हूं और अब मैं हीट के साइन कन्वेंशन की बात करता हूं, तो आप जब भी किसी सिस्टम में हीट को ऐड करेंगे तो हीट एडिशन पॉजिटिव होगा। अगर मैं हीट की बात कर रहा हूं तो हीट एडिशन पॉजिटिव होगा, और जब भी कोई सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा यू विल टेक इट एज अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव हीट, ठीक है। यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, जो कि आपको पी के नाग, आर के राजपूत हो गया, सिंजल हो गया, जो बुक्स हैं इनके अंदर देखने को मिलेगा। और बेसिकली गेट के में या इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में जो ट्रेंड फॉलो होता है कन्वेंशन का, वो यही स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अदरवाइज आप अपना कोई भी कन्वेंशन मान सकते हैं, जैसे कि वर्क पॉजिटिव अगर ऐड कर रहे हैं और वर्क अगर मिल रहा है तो उसे नेगेटिव मान लीजिए। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन के अंदर पूछा किस तरीके से होता है, क्वेश्चन के अंदर बेसिकली पूछा इस फॉर्म में होता है कि आप वर्क जब भी किसी एक सिस्टम पे वर्क किया जाएगा हम लोग करेंगे तो उसे नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, और जब किसी सिस्टम से हमें वर्क मिलेगा देन वी टेक इट एज अ पॉजिटिव वर्क। इसी तरीके से मान लीजिए आप हीट को ऐड करते हैं किसी सिस्टम में तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, सराउंडिंग के अंदर जा रही है, देन यू विल टेक इट एज अ नेगेटिव हीट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसके अंदर आता है, एक अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी क्लोज सिस्टम है, मेरे पास कोई भी मान लीजिए क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, या फिर मैं इसी चीज को बोल रहा हूँ नॉन फ्लो वर्क, नॉन फ्लो वर्क, क्योंकि जब मैंने बात की थी क्लोज सिस्टम के बारे में तो क्लोज सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर एनर्जी एंटर कर सकती है, एनर्जी बाहर निकल सकती है, बट देयर शुड नॉट बी अ मास ट्रांसफर, मतलब कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होगा वहां पे। इसका मतलब कोई भी फ्लो प्रोसेस नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी फ्लो प्रोसेस नहीं हो रहा है तो क्लोज सिस्टम को मैं नॉन फ्लो वर्क भी बोल सकता हूँ या नॉन फ्लो सिस्टम बोल सकता हूँ। तो क्लोज सिस्टम का वर्क, या फिर मैं कह दूं इसे नॉन फ्लो वर्क क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, हमें वो बताना है, ठीक है। अब मैंने जब क्लोज सिस्टम बताया था तो मैंने उसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया था सिलेंडर का, ये मान लीजिए कोई भी एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व किसका एग्जाम्पल था हमारा, क्लोज सिस्टम का। और सिस्टम अगर मान लीजिए मैं बात करूं विद वॉल्व की, सिलेंडर पिस्टन, देन इट इज अ ओपन सिस्टम टाइप। तो मेरे को तो यहाँ पे कौन सा चाहिए, क्लोज सिस्टम चाहिए, तो मैंने एक क्लोज सिस्टम के लिए विदाउट वॉल्व का एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ले लिया,
ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने गैस कोई भी फिल की हुई है, यहाँ पे गैस है इस पिस्टन के और सिलेंडर के बीच में, तो और इस पिस्टन का जो एरिया है दैट इज लेट अस से कैपिटल ए। तो जो गैस यहाँ पे है वो ऑब्वियसली प्रेशर अप्लाई करेगी इस पिस्टन पे, उस प्रेशर को मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल पी। ठीक है, तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया में, दैट इज नोन एज द प्रेशर। या फिर मैं इसी चीज को किस तरीके से लिख सकता हूँ कि फोर्स क्या है हमारे पास, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, दो तरीके से लिख दिया मैंने इसको, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं वर्क की बात करूँ, वर्क वर्क हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैकेनिक्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या होता है वर्क। अगर मैं डब्लू लिख रहा हूं वर्क को, फोर्स हम लोग ने लिया है कैपिटल एफ, तो मैंने इसको लिख दिया कैपिटल एफ। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, मान लीजिए कोई भी एक पिस्टन कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पे एक और सिलेंडर ले रहा हूँ और इस सिलेंडर में मान लीजिए ये मेरा एक पिस्टन है जो कि अभी एक्स पोजीशन पे है और थोड़ी देर बाद ये इस पोजीशन पे पहुँच गया और ये पोजीशन मेरे पास है एक्स प्लस डी एक्स। इसका मतलब इस प्रेशर पी की वजह से, इस प्रेशर पी की वजह से कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना, दैट इज डी एक्स। पहले x पोजीशन पे था पिस्टन, प्रेशर की वजह से x प्लस ds dx इसकी एक नई पोजीशन हो गई, इसका मतलब कितना डिस्प्लेस हो गया, ये dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। इसका मतलब मैं जब लिख रहा हूँ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिखूंगा w इज इक्वल टू f इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखिए फोर्स क्या लिखा है, फोर्स की वैल्यू मैंने लिखी है प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई डी एक्स। ठीक है, मैंने फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख दिया। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ए इंटू डी एक्स, यहां पे ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, डी एक्स हमारे पास हो गई कितनी थिकनेस, और इसका पूरा एरिया हम लोग ने ए ले रखा है पिस्टन का, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम बना इसके यहां से यहां तक शिफ्ट होने के लिए, दैट इज ए इंटू डी एक्स। इसका मतलब मैं इस पूरी चीज को, इस a इंटू डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, dv। पार्शियल फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम पार्शियल dx की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम पार्शियल लिख लिया मैंने। तो w की अगर मैं मान लीजिए बात करूँ, ये जो w है, यहाँ w ना होकर के क्या है, ये dw है बेसिकली, क्योंकि हम पार्शियल बात कर रहे हैं, dx के लिए बात कर रहे हैं, तो ये मैं पार्शियल ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल w। ठीक है, तो पार्शियल वर्क हम लोग के पास कितना हो गया यहाँ पे, पी मल्टीप्लाई डी वी। अगर मान लीजिए मेरे को एक छोटे एलिमेंट के लिए वर्क निकालना होता है तो मैं इसको लिखता हूँ पी इंटू डी वी, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे टोटल वर्क निकालना हो, डब्ल्यू निकालना हो, तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यूज किया जाता है जब मुझे पूरी वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे एक छोटे से एरिया के लिए पता है तो मैं पूरे के लिए निकालना चाहता हूँ, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। तो ये जो वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये हमारा नॉन फ्लो वर्क होता है, या इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम वर्क। ठीक है, ऐसी अगर ये तो हमारा किसके लिए हो गया, क्लोज्ड सिस्टम के लिए। अगर इसी चीज को आप ओपन सिस्टम के लिए करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी डी पी। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम के लिए था, W इक्वल टू माइनस वी डी पी ये ओपन सिस्टम के लिए हो जाता है, ओपन सिस्टम के लिए, दिस इज फॉर ओपन सिस्टम। ठीक है, तो हमने दो तरीके से यहां पे बात की है कि भाई डी डब्ल्यू हमको पहले चाहिए कि कितना एक स्ट्रिप के लिए वर्क हो रहा है, कितना एक छोटी वैल्यू के लिए वर्क हो रहा है, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहां पे हमने डी एक्स लेंथ पे इसको शिफ्ट करके देखा, डी डब्ल्यू की हमने वैल्यू निकाली तो हमारे लिए जो वैल्यू आई दैट इज पी डी वी,
और हमें पूरे क्लोज सिस्टम की बात करनी है, इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट करने पाया हमारा W इज इक्वल टू पी डी वी का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम के लिए था। ओपन सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी पी, दैट इज फॉर ओपन सिस्टम। तो अभी मान लीजिए मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ये मेरे मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर को, और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है हमारी वॉल्यूम को। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कोई भी एक वर्क मान लिया, कुछ इस तरीके से कोई भी एक ग्राफ मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया प्रेशर और वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये मान लीजिए मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया यहाँ से, मैं कोई भी एक छोटी स्ट्रिप उठा रहा हूँ, ये स्ट्रिप की जो मोटाई है या थिकनेस है दैट इज dv। ठीक है, एक छोटा सा वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिया है और ये इतनी छोटी स्ट्रिप है कि जो प्रेशर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान सकते हैं दैट इज p। आप एक बहुत ही छोटी स्ट्रिप लीजिए जिसको आप प्रेशर को बिल्कुल कांस्टेंट रख सकते हैं यहाँ पे, कि प्रेशर दोनों ही स्ट्रिप के लिए, पूरी स्ट्रिप के लिए सेम है दैट इज p, और जो स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो हम लोग के पास dv है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इस स्ट्रिप के एरिया की बात करूँ, इस स्ट्रिप के मैं एरिया की बात करूँ, तो एरिया कितना हो जाएगा इस स्ट्रिप का, ये स्ट्रिप कुछ इस तरीके से काम कर रही है हमारी, ये मान लीजिए स्ट्रिप है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ इस स्ट्रिप को, कि यहाँ से इस ओ पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो पी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो पूरी स्ट्रिप है इसकी जो थिकनेस है वो डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इसका एरिया, तो रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है, पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी, या पी डी वी भी बोल सकते हैं आप इसको, पी इंटू डेल्टा वी या पी डी वी, हमने हम लोग ने डी वी लिया है तो आई विल यूज एट पी डी वी। ठीक है, यानी कि एरिया हम लोग के पास क्या आया, पी डी वी एरिया। अगर मान लीजिए मैं क्लोज सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ, क्लोज सिस्टम के लिए जब हम बात कर रहे तो हमने बोला था वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या बोल रहा था, डी डब्ल्यू अगर मान लीजिए मेरे को निकालना है तो वो कितना हो रहा था पी डी वी, ये तो पूरा क्लोज सिस्टम के लिए निकालना हो तो, और ये हमारा एक स्ट्रिप के लिए निकालना हो तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, तो ये एरिया हमारे क्या है, स्ट्रिप के लिए है। तो अगर मान लीजिए मुझे इसके अंडर का पूरा एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा पी डी वी को, जिस तरीके से मैंने यहाँ इंटीग्रेट किया। इसका मतलब क्या है कि एरिया जो है वो हमारे वर्क के इक्वल आ रहा है जो हम लोग ने अभी निकाला था। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ दैट एरिया अंडर दिस कर्व When projected on volume, area under this curve projected on this volume gives us the closed system work. कौन सा work देगा, closed system work. Now अब एक और point हम इसको लोग इसके अंदर देखते हैं, कि मैं यहाँ पे तीन graph plot कर रहा हूँ जो basically हमारे जो हमने अभी ऊपर concept पढ़ा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, कि एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम गिव्स अस द क्लोज सिस्टम वर्क, कि क्लोज सिस्टम वर्क हमें मिल जाएगा अगर मान लीजिए मैं इस एरिया के अंडर नीचे जो भी हमारा एरिया है उसे कैलकुलेट कर लूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है, मुझे मान लीजिए जाना है यहां से यहां इस तरीके से, ये मेरे पास वन सेकेंड स्टेट, ये ए प्रोसेस, ये बी प्रोसेस। अब मैंने यहां पे क्या किया है कि 1 A2 से हमें जाना है पहले, देन वी कम बैक फ्रॉम 2 B1। ठीक है, एक पाथ से जाना है, एक पाथ से वापस जाना है, एक साइक्लिक प्रोसेस मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, इसके अंदर हमें टोटल कितना वर्क मिल रहा है, ये हमारा वर्क है। अभी हमने पढ़ा कि एरिया अंडर द कर्व, यानी कि इस कर्व के नीचे का जो भी एरिया होगा वो हमारे वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1 से लेकर के 2 तक जाने में ए प्रोसेस से हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क करना पड़ेगा हम लोग को, 1 दिस इज ए दिस इज 2। ठीक है, और 2 से लेकर के 1 तक का हमारा कितना वर्क है, ये वर्क हमारा इतना वर्क है। ठीक है, दिस इज 1 दिस इज बी दिस इज 2। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना मिलेगा हमारे को, तो भाई इतने में से ये घटा दूं, यानी कि अगर ये सेकंड है ये फर्स्ट है तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए मैं थर्ड मान रहा हूँ, तो ये थर्ड कितना हो जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड में से मैं फर्स्ट को घटा दूंगा तो मेरे पास थर्ड नंबर की जो ये सिचुएशन वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी,
ठीक है, इसके अंदर आप एक चीज देख सकते हो कि मैं स्टेट वन से जा रहा हूँ और स्टेट टू तक, ठीक है। तो दो पाथ मेरे पास थे, मैं एक बार ए से गया एक बार बी से गया, तो दोनों के अंदर जो वर्क हम लोग को मिल रहा है वो दोनों अलग अलग है। यानी कि वर्क ए की अगर मैं बात करूँ ए प्रोसेस से जाने पर और वर्क बी से पे जाने पर, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वर्क की जो वैल्यू होती है वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करती, वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड किस पे करती है, पाथ पे, कि आप किस पाथ से जा रहे हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और पाथ इस तरीके से होता तो वर्क हमें कम लगाना पड़ता, या कुछ इस तरीके से होता तो वर्क ज़्यादा लगाना पड़ता। इसका मतलब एंड पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड पॉइंट कुछ भी हो लेकिन पाथ किस तरीके का है उस पर हमारा वर्क जो है डिपेंड करता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वर्क ट्रांसफर जो है एक पाथ फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये यही बताने के लिए था कि वर्क ट्रांसफर एक पॉइंट फंक्शन नहीं है, एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंडीशंस क्या क्या होंगी जब हम W इक्वल टू PDV वर्क, इस PDV वर्क को अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, जिसमें पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि सिस्टम क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस W इक्वल टू PDV को अप्लाई करना चाहता हूँ किसी न्यूमेरिकल में, किसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो वो सिस्टम क्लोज सिस्टम होना चाहिए, तो आप PDV लगा सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वर्क शुड क्रॉस दी बाउंड्री, शुड क्रॉस दी बाउंड्री, यानी कि वर्क को बाउंड्री क्रॉस करनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब वर्क बाउंड्री को क्लियर नहीं कर रहा है, देन उस केस में वर्क की कोई भी वैल्यू नहीं होगी और आप W इक्वल टू PDV को यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि बाउंड्री का जो फिनोमिना है वो वर्क और हीट दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी कि बाउंड्री अगर क्रॉस नहीं हो रही है तो वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर हम लोग के लिए जीरो हो जाएंगे, हम लोग ये वैल्यूज अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड हमारे पास है प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि W इक्वल टू PDV वर्क को आप तीन तरीके से अप्लाई करेंगे, तीन कंडीशन होनी जरूरी है। पहला क्लोज सिस्टम हो, दूसरा वर्क बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हो या हीट क्रॉस कर रही हो, और रिवर्सिबल प्रोसेस हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम के लिए अगर बहुत सारे अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए वर्क किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहला जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी सिस्टम में वॉल्यूम जो है कॉन्स्टेंट है तो कितना वर्क डन होगा हमारा वो हम लोग को पता करना है। कांस्टेंट वॉल्यूम को दो और तरीके से हम लोग देखते हैं, जिसकी वैल्यू या जिसका मैं कहूँ, जिसको हम एक और नाम देते हैं आइसोकोरिक, या इसी चीज को हम लोग आइसोमेट्रिक भी बोल देते हैं। बेसिकली तो कांस्टेंट वॉल्यूम काम में आता है, बाकी आइसोकोरिक भी बोलते हैं लेकिन आइसोमेट्रिक बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम बोले या आइसोकोरिक बोले तो कितना वर्क हम लोग को करना पड़ेगा वो हमें बताना है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब यह है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है ये, और ये हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्टॉप्स लगा दिए ताकि ये जो पिस्टन है इसके ऊपर ना बढ़ सके। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम बच रहा है ये हमारे लिए फिक्स हो गया, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो इसमें कितना वर्क होगा हमारा वो हम लोग को देखना है। तो W हमारे पास क्या होता है? PDV, ठीक है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? V1 यानी कि इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, दोनों इक्वल हैं, यानी कि वर्क की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास? जीरो। यानी कि कोई भी वर्क नहीं होगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें। इसी चीज को अगर मान लीजिए आप प्रेशर और वॉल्यूम
और वॉल्यूम में शो करना चाहते हैं तो किस तरीके का ग्राफ बन जाएगा इसका? इस तरीके का, इस तरीके का, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि वॉल्यूम जब भी कांस्टेंट होता है, कोई भी चीज कांस्टेंट होती है और आप उसे ग्राफ में बनाएं तो वो उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाती है। जैसे कि यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के जो एक्सिस है, जो कि हमारा एक्स एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो हमारा रिप्रेजेंट करेगी कांस्टेंट वॉल्यूम को, ठीक है। सेकंड मान लीजिए आप देख रहे हो कांस्टेंट प्रेशर के बारे में, कांस्टेंट प्रेशर को आइसो बारिक सिस्टम या आइसो पीएस्टिक सिस्टम भी बोलते हैं। आइसोबारिक बोल लीजिए, आइसोपीएस्टिक बोल लीजिए। आइसोबारिक यानी कि जो बार है, बार प्रेशर की यूनिट होती है, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर यानी कि वैल्यू सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए W क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाना है, वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक। W इक्वल टू प्रेशर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से V2 dV। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीवी का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास वॉल्यूम वी फ्रॉम V2 to V1, कितनी वैल्यू हो जाएगी, पी टाइम्स V2 माइनस V1। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क की वैल्यू कितनी है, होती है पी V2 माइनस V1। इसी चीज को आप प्रेशर और वॉल्यूम के अगर शो करेंगे तो एक लाइन आएगी जो कि परपेंडिकुलर होगी किसके, प्रेशर की एक्सिस के, ठीक है। इस तरीके से शो करते हैं कांस्टेंट प्रेशर को। थर्ड अगर पॉइंट लूं, कांस्टेंट टेम्परेचर। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम लिया, सेकंड हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया, थर्ड ले रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है मान लीजिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर को हम और क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। आइसो का मतलब है एक तरीके से सेम, और थर्मल मतलब टेम्परेचर को शो कर रहा है, तो आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि टी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है प्रोसेस के अंदर। हम लोग क्या जानते हैं भाई, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एमआरटी, ठीक है भाई। एम की वैल्यू कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, टी की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पीवी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है यानी कि प्रोसेस के लिए P1 V1 की जो वैल्यू होगी वो P2 V2 के इक्वल होगी, यानी कि पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि P1 into V1 फर्स्ट पॉइंट के लिए, P2 V2 सेकंड पॉइंट के लिए, P3 V3 यानी कि पूरा सेम रहेगा ये, ठीक है। अब मान लीजिए वर्क की बात करें तो वर्क हम लोग क्या लिखते हैं भाई, वर्क हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ V1 to V2 PdV, ठीक है। अब हम देख कह रहे हैं भाई पीवी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अगर मैं एक कांस्टेंट को मान लीजिए सी से शो कर देता हूँ, पीवी इक्वल टू सी, ठीक है, सी इज डिनोट्स फॉर कांस्टेंट, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन वी। अब यहाँ देखिए आप इसमें रख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 to V2, क्योंकि मेरे को डीवी यानी कि वॉल्यूम के टर्म में इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इस प्रेशर के साइन को हटाना पड़ेगा या प्रेशर को लाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या है, सी बाई वी, तो मैं इसको लिखूंगा सी बाई वी इंटू डी वी। वन अपॉन वी या वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। इसका मतलब सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये हो जाएगा हमारा एल एन वी, इंटीग्रेशन हमने किया है वी टू से वी वन, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ सी टाइम्स एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, एल एन एम माइनस एल एन एन, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल एन वी टू बाय वी वन। ये हमारे लॉगरिथम की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी माइनस में है तो आप उसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, और अगर मान लीजिए यहाँ प्लस में होता तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस में है एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं एल एन वी टू अपॉन वी वन, ठीक है, और वाइस वर्सा। अब सी को आप हटा सकते हैं, सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, पी वन वी वन, तो आप लिख दीजिए इसको पी वन वी वन एल एन वी टू बाय वी वन।
पी टू वी टू एल एन वी टू बाई वी वन भी लिख सकते हैं, पी वन वी वन एल एन वी टू बाई वी वन भी लिख सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए जो फॉर्मूलाज हम लोग को पढ़ने की, कितना वर्क होता है कांस्टेंट टेम्परेचर के टाइम पे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई पी वन वी वन एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर इसी को मान लीजिए और किसी फॉर्म में लिखना पड़े, पी वन वी वन एल एन, भाई वी टू बाई वी वन की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन किसके इक्वल है, पी वन अपॉन पी टू, तो आप इसको लिख सकते हो पी वन अपॉन पी टू। ठीक है, पी वन वी वन की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम आर टी। पी वन वी वन किसको शो करेगा, एम वन आर वन टी वन या एम आर टी, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो एम आर टी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एम आर टी एल एन वी टू बाई वी वन और एम आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए आप दो से तीन टर्म के अंदर, दो से तीन तरीके से आप वर्क को लिख सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग को शो करना है कि किस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम इसमें किस तरीके से लिखते हैं या किस तरीके से शो होगा, जैसे हमने वॉल्यूम के लिए प्रेशर के लिए किस तरीके से शो किया है, तो यहाँ पे शो होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, तो आइसोथर्मल कर्व के लिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम बनाएंगे अगर पीवी के डायग्राम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम लोग ले सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। आप जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात की कांस्टेंट प्रेशर की, कांस्टेंट वॉल्यूम की, कांस्टेंट टेम्परेचर की, या जिसको आइसोथर्मल भी हम बोल रहे हैं, तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ठीक है वॉल्यूम कांस्टेंट है या फिर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन एडियाबेटिक से हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो एडियाबेटिक का बेसिक मतलब क्या है, एडियाबेटिक का मतलब ये है कि वहां से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या मैं कहूँ हीट ट्रांसफर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक कंटेनर है, ठीक, और आपने उसको इंसुलेट कर दिया, इंसुलेट कर दिया यानी कि कोई भी इंसुलेशन प्रोवाइड करा दी, ठीक है, तो हीट इंटरेक्शन जो होगा सिस्टम और इस सराउंडिंग के बीच में, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, कोई भी हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी अंदर से बाहर। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया एडियाबेटिक है, ठीक है, जब भी कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो देन इट इज अ एडियाबेटिक टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, जीरो। एडियाबेटिक के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन फॉलो करते हैं दैट इज पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो मैंने पॉइंट बताया कि एडियाबेटिक का मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर का मतलब जीरो, लेकिन मैथमेटिकली या मैं कहूं एक्सप्रेशन के टर्म में एडियाबेटिक क्या होता है, तो होता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा क्या है, यहाँ पे पी प्रेशर को डिनोट कर रहा है, वी वॉल्यूम को, और सी हमारा कांस्टेंट है, लेकिन गामा क्या है, ठीक है, गामा है हमारे पास एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स, ठीक है, और इसकी बेसिकली जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन वन होती है। और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आइडियल गैसेस के लिए अगर बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो हमारे पास हो जाएगी 1.4। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू हम 1.4 ले सकते हैं। गामा को एडियाबेटिक इंडेक्स बोला जाता है और इससे हमको वर्क निकालना है एडियाबेटिक के लिए। सेम प्रोसेस, इंटीग्रेशन पीडीवी वी वन से वी टू वॉल्यूम तक। अब देखिए वॉल्यूम के टर्म में इंटीग्रेशन करना है लेकिन प्रेशर की टर्म आ रही, तो प्रेशर की टर्म को कैसे हटाएंगे, पी इक्वल टू सी अपॉन वी की पावर गामा। ठीक है, इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे, और जिस तरीके से हमने आइसोथर्मल को हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी W दैट बिकम्स पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइड गामा माइनस वन। ये जो वैल्यू है W की आई हमारे पास, दैट इज द एडियाबेटिक वर्क। ठीक है, ये एडियाबेटिक वर्क है जहां पे गामा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन, और आइडियल गैस के लिए 1.4। बेसिकली एक गिवन रहता है क्वेश्चन के अंदर कि गामा की वैल्यू कितनी लेनी है। ठीक है, तो एडियाबेटिक के लिए जब हम वर्क ट्रांसफर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास होगी पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन, जिसको मैथमेटिकली और इन एक्सप्रेशन फॉर्म हम शो करते हैं पीवी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस,
पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का एक्सप्रेशन फॉलो होता हो, ठीक है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम इस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहे हैं पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट को, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एन की वैल्यू है वो यहां पे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। मैंने यहां पे बोला कि गामा की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है हमारे पास, गामा ग्रेटर देन वन है, आइडियली हम इसको 1.4 लेकर के चलते हैं। तो जनरली अगर n के लिए बात करूं तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है बट गामा से लेस, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि n की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से होती है कि n से तो बड़ी है पर गामा से छोटी है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो एक्सप्रेशन वाला टर्म है ना वो सारी चीजें सेम है, लाइक पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वो आप करेंगे, यहाँ पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि गामा और एन के लिए अगर आप सेम चीजें करेंगे जो हम लोग ने लास्ट टाइम की है इसके अंदर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड में एन माइनस वन, क्योंकि वैल्यूज चेंज हुई है लेकिन सिंबल तो सेम ही है कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट करना है या पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट रखना है। सेम पीडीवी की हेल्प से हम लोग वर्क निकालेंगे, वहां पे भी प्रेशर था सी बाय वी की पावर गामा और यहाँ हो जाएगा सी बाय वी की पावर एन, तो उसी तरीके से हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा वो ऑलमोस्ट सेम है बट गामा और एन की वैल्यूज जो है वो थोड़ी अलग अलग है। नेक्स्ट एक पॉइंट हमारे पास आता है कि आप प्रेशर और वॉल्यूम जो हमारे पास प्लॉट होते हैं ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में, ये प्रेशर है ये वॉल्यूम, तो किस तरीके से सारे के सारे जो भी हमने प्रोसेस देखे पांच, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, या एडियाबेटिक हो गया, पॉलीट्रॉपिक हो गया, तो किस तरीके से आप शो कर सकते हैं पीवी डायग्राम पे उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर एक पॉइंट है कि पीवी की पावर के इक्वल टू कांस्टेंट से आप पांचों के पांचों प्रोसेसेस को देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहला अगर मान लीजिए मैं लेके चलूं, पहला हम लोग ने देखा था कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कब कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट कब होगा जब मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रेशर कांस्टेंट। अब प्रेशर कब कांस्टेंट होगा यहां पे जब के की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब देखिए जैसी मैंने k की वैल्यू जीरो करी इसका मतलब मैं लिख रहा हूं pv की पावर जीरो इक्वल टू कांस्टेंट और v की पावर जीरो का मतलब वन, यानी कि प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट को मैं pv की पावर k इक्वल टू c लिख सकता हूं जहां पे k की वैल्यू क्या होगी जीरो। इसी तरीके से मान लीजिए मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए क्या लिख सकता हूं भाई, अगर मान लीजिए मैं k की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दूं, k की वैल्यू को अगर मान लीजिए मैं इनफाइनाइट कर देता हूं अनंत, ठीक है, तो क्या होगा वॉल्यूम की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि वो एक तरीके से कांस्टेंट का काम करेगी, इन्फिनिटी एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, तो v की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा यानी कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो गया। तो जब भी मैं लिख रहा हूं पी वी की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि v की पावर इन्फिनिटी भी कांस्टेंट हो गया यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा हमारे लिए क्या हो गई कांस्टेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट को मैं PV की पावर K इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूं जब K की वैल्यू हमारे पास क्या हो इन्फिनिटी हो, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को लिखना है अब आइसोथर्मल के लिए, मैं तीसरा प्रोसेस मान लो आइसोथर्मल ले रहा हूं या मैं इसको लिख रहा हूं टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा जब K की वैल्यू हम लोग के पास क्या हो जाएगी वन। अब देखिए K की वैल्यू जैसी मैंने वन लिखी तो मैं लिखूंगा PV की पावर वन इक्वल टू कांस्टेंट या PV इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब हमने लोग ने देखा था कि PV इक्वल टू होता है MRT, अगर M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल कर्व को भी मैं PV इक्वल टू K इक्वल टू C, PV की पावर K इक्वल टू C लिख सकता हूँ जब K की वैल्यू 1 हो जाए। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं एडियाबेटिक की बात कर लूँ, एडियाबेटिक की, तो एडियाबेटिक में मैं K को क्या लिखूंगा गामा, तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास आइडियाबेटिक। ऐसी अगर मान लीजिए इसी को मैं लिखना चाहूं पॉलीट्रॉपिक के लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए,
तो क्या होगा, के की वैल्यू एन हो जाएगी, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक वो है जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम एक रिलेशन फॉलो करते हो, दैट रिलेशन इज पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो के की वैल्यू जैसी एन हो जाएगी तो ये हमारा प्रोसेस शो करेगा पॉलीट्रॉपिक को। अब देखिए इसी चीज को मान लीजिए मैं प्रेशर और वॉल्यूम के इस ग्राफ पे प्लॉट करके देखूं तो क्या होगा, इसको देखते हैं थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये मेरे पास प्रेशर है, ये मेरे पास वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखिए प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब एक लाइन आएगी यहां से यहां तक। अब ये लाइन प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट को शो कर रही है, यानी कि इस यहां पे इस लाइन के लिए के की जो वैल्यू है वो जीरो है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मान लीजिए इस तरीके से होगा वॉल्यूम कांस्टेंट। ये किसको शो कर रही है, के की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो के इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करेगी, एक वर्टिकल लाइन के इक्वल टू इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को लिखना है टेम्परेचर के लिए, एडियाबेटिक के लिए और पॉलीट्रॉपिक के लिए। अच्छा, तो के की वैल्यू टेम्परेचर के लिए कितनी है, 1, एडियाबेटिक के लिए 1.4 और एन के लिए ग्रेटर देन तो है 1 बट 1.4 या गामा से क्या है, छोटी है, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे नीचे नीचे बढ़ता जाऊंगा, इस डायरेक्शन में बढ़ता जाऊंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो के की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, टेम्परेचर की। इसका मतलब टेम्परेचर की वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो ये के इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके जस्ट नीचे वाला ग्राफ जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के इक्वल टू एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके जस्ट नीचे वाला जो होगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, के इक्वल टू गामा को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब के इक्वल टू जीरो प्रेशर, के इक्वल टू 1 आइसोथर्मल, के इक्वल टू एन पॉलीट्रॉपिक, के इक्वल टू गामा एडियाबेटिक, एंड लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो किसी भी प्रोसेस को प्रेशर और वॉल्यूम के डायग्राम के ऊपर। अब यहां पे एक और चीज हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर की, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब पी इक्वल टू सी है, प्रेशर कांस्टेंट है भाई, पी वी इक्वल टू एम आर टी है, ठीक है भाई, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो गई, टी के। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं वी टू बाय वी वन इक्वल टू टी टू बाय टी वन, क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टी के, यानी कि वी वन इक्वल टू लेटर से के टी वन या वी टू इक्वल टू के टी टू, इसका मतलब V2 by V1 equal to T2 by T1। इसी तरीके से आप मान लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे, P is proportional to temperature, यानी कि P2 by P1 is equal to T2 by T1। ये प्रोसेसेस काम में आते हैं जब मान लीजिए अगर हमें आपको दे रखा है वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसके अंदर कोई भी तीन वैल्यूज दे रखी है, P1, T2 और T1, ठीक है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो हमें मान लीजिए P2 निकालना हो, सेकंड प्रेशर निकालना हो, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के टाइम पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज करेंगे और निकालेंगे कि प्रेशर 2 कौन सा है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको आइसोथर्मल निकालना है, आइसोथर्मल के लिए तो मैंने बताया भी था लाइक पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको निकालना हो एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ पी वन वी वन की पावर गामा भी कांस्टेंट होगा, पी टू वी टू की पावर गामा भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ पी वन वी वन की पावर गामा इक्वल टू होता है पी टू वी टू की पावर गामा। जब हम एडियाबेटिक की बात करते हैं तो हम लोग गामा लिखते हैं, हम पॉलीट्रॉपिक की बात करेंगे तो पी वी की पावर एन इक्वल टू लिख देंगे, लाइक पी वन वी वन की पावर गामा एन इक्वल टू पी टू वी टू की पावर एन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जब हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबेटिक में बेसिकली तीन तरीके से लिखते हैं, एक प्रेशर और वॉल्यूम का हमने रिलेशन लिख दिया, ये हमारा पहला रिलेशन हो गया मान लीजिए। दूसरा रिलेशन मान लीजिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तो हम लिखेंगे टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल टी टू वी टू द पावर गामा माइनस वन, और इनको निकालना बहुत सिंपल है। आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एम आर टी। तो आप
हमको कौन कौन सी वैल्यू हटानी है, पी वन और पी टू की वैल्यू हटानी है। तो यहाँ से आप पी वन और पी टू की वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ वी वन वी टू लिख दीजिए, पी वी इक्वल टू एम आर टी में, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। अब मान लीजिए मेरे को निकालनी है प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, तो वो कितना होगा, वो होता है हमारे पास टी टू बाय टी वन, ये इक्वल होता है हमारे पास पी टू बाय पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। इसी को भी सेम तरीके से भाई पी वी इक्वल टू एम आर टी हमारे पास है, और पी टू वी टू की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला फॉर्म भी हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पी वन वी वन इक्वल टू एम आर टी वन, सेकेंड लिखेंगे पी टू वी टू इक्वल टू एम आर टी टू, और इस वी टू बाई वी वन की जगह, यहाँ पे जो वी टू बाई वी वन आएगा उसकी जगह इस वाले फॉर्म को आप लिख देंगे यहाँ पे, तो आपके पास थर्ड रिलेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रिलेशन को आपको याद भी रखना है कि किस तरीके से प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में अलग अलग टाइम पे रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्लोप्स। स्लोप आइसोथर्मल कर्व का क्या होगा, स्लोप हमारे पास एडियाबेटिक कर्व अगर पीवी डायग्राम में बना रहे हैं तो वो क्या होगा। तो पहले मान लीजिए मैं आइसोथर्मल के बारे में बात कर लेता हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है पहला केस मैं ले रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि पीवी की पावर, पीवी जो है दैट इज कांस्टेंट। अब इसको आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, और आप दो टर्म जो कि मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो किस तरीके से होंगी, सबसे पहले एक को साथ में रखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर दूसरे को हटा दीजिए और सेकेंड फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो पी को साथ में रखा डी वी प्लस वी को साथ में रखा देन डी पी दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या निकालना है, किसी भी प्रेशर वॉल्यूम में जब भी आप निकाल रहे हैं स्लोप तो हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ डी पी बाई डी वी, जो भी पॉइंट पी जो कि वाई पे है, वी जो कि एक्स पे है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ डी पी बाई डी वी। अब डी पी बाई डी वी कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो पी डी वी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वी डी पी यहाँ पे, और डी पी बाई डी वी कितना हो गया, डी पी बाई डी वी दैट इज माइनस ऑफ पी बाई वी, यानी कि टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट हो तो डी पी बाई डी वी यानी कि प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पर जो स्लोप होता है आइसोथर्मल कर्व का दैट इज माइनस पी बाय वी। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे इसके लिए निकालना है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के लिए, या इसको मैं बोलूं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए किस तरीके से निकालेंगे, सेम इंटीग्रेट करिए सॉरी डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करते हैं प्रेशर साथ में ले लिया, देन इसका किया तो किस तरह का होगा, वी की पावर गामा यानी कि गामा बाहर, वी की पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी प्लस अगेन वी की पावर गामा तो सेम रहेगा मल्टीप्लाई डी पी दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी पी बाय डी वी। अब देखिए यहाँ पे आप निकालिए डी पी बाय डी वी, तो किस तरीके से निकालेंगे, लाइक गामा टाइम्स पी वी टू द पावर गामा माइनस वन डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वी की पावर गामा डी पी। मुझे क्या चाहिए, डी पी बाई डी वी, तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गामा पी वी की पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस सॉरी वी की पावर गामा, मैंने यहाँ माइनस पहले लगा दिया है ठीक है, या फिर मैं इसको लिखूंगा माइनस गामा पी की पावर पी बाय वी, यानी कि डी पी बाई डी वी यहाँ पे कितना आया, माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। तो अब देखिए स्लोप आइसोथर्मल के लिए कितना था, माइनस पी बाई वी, स्लोप एडियाबेटिक के लिए कितना है, गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी। इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, स्लोप एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक के लिए ग्रेटर होगा स्लोप आइसोथर्मल से, क्यों आइसोथर्मल, उसका बेसिक रीजन क्या है कि गामा की जो वैल्यू है 1.4 होती है, तो अगर माइनस पी बाई वी मान लीजिए 1 है तो गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी कितना होगा 1.4 एंड सो ऑन ठीक है। इसका मतलब गामा टाइम होगा यानी कि स्लोप एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से बड़ा होता है, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, स्लोप एडियाबेटिक का कितना होगा, गामा टाइम्स
स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व। तो अभी तक हम लोग ने जो बात की वो सिर्फ वर्क के बारे में की कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एडियाबेटिक या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, तो किस तरीके से वर्क को डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से वर्क निकाला जाता है, उस वर्क की वैल्यू कितनी होगी, किस तरीके से उन प्रोसेसेस को शो किया जाता है किसी भी पीवी डायग्राम के ऊपर, ठीक है, और उन किस तरीके से हमने निकाला स्लोप वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब बात आती है हीट की। हीट बिल्कुल एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है हीट का कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मान लीजिए ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होना टेम्परेचर की वजह से। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और एक ब्लॉक यहाँ पे है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो अब यहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होना ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर डिफरेंट है, देन इट इज ए कॉल्ड एज अ हीट ट्रांसफर। अगर मान लीजिए ये ब्लॉक भी 100 का हो जाए तो यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं, यानी कि एनर्जी इंटरेक्शन तभी होगा, एनर्जी ट्रांसफर तभी होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, और जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Q को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हीट के लिए, तो Q किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा T के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर। Q सेम टाइम पे प्रोपोर्शनल होती है मास के, जितना ज़्यादा बड़ा कोई मान लीजिए मटेरियल है उसके लिए हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा, छोटे वाले के लिए छोटा होगा। इसका मतलब इन दोनों स्टेट्स को, इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो मैं लिखूँगा Q इज प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा T, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल का साइन मैं हटा दूं तो वो हमारे पास जाता है एम सी डेल्टा टी, ये हमारे पास हो गई हीट। तो हीट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहां एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट को, स्पेसिफिक हीट को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस को। तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से C की वैल्यू पता करनी है कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, तो आई विल राइट एज Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, किलो जूल पर केजी केल्विन। केल्विन टेम्परेचर के लिए आ गया, केजी मास के लिए आ गया, और किलो जूल में हमारा Q है, हीट ट्रांसफर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दैट इज डिनोटेड बाय Cp, और एक आती है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, एंड इन दोनों का जो रेशियो होता है सीपी बाय सीवी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, जो आपने एडियाबेटिक के अंदर देखा एडियाबेटिक इंडेक्स, वो क्या होता है सीपी बाय सीवी, यानी कि स्पेसिफिक हीट का रेशियो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट के टाइम पे, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की जब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, वो ग्रेटर होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। पर इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें हो रही होती हैं, एक इंटरनल एनर्जी होती है और साथ में एक्सटर्नल वर्क होता है, दो चीज़ें हैं इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क। लेकिन जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ एक चीज़ होती है इंटरनल एनर्जी, क्यों, क्योंकि CV कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो हमारे पास वर्क कितना आता है, जीरो। इसका मतलब CP की जब बात करेंगे आप तो हमारे पास दो चीज़ होंगी, एक तो होगी हमारे पास इंटरनल एनर्जी और एक होगा हमारे पास एक्सटर्नल वर्क। लेकिन CV की जब बात करेंगे तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क कितना होता है CV के लिए, दैट इज जीरो। इसका मतलब CP की वैल्यू ग्रेटर देन CV क्यों होगी, उसका बेसिक रीजन ये है, और CP बाय CV इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज डिनोटेड बाय गामा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और वर्क और हीट के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरी की पूरी डिस्क्राइब कर दी हैं। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी यहाँ प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है, आप हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी लेक्चर के अंदर, तो आप वहाँ पे मुझसे डाउट को जो है क्लियर कर सकते हैं।
सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. थैंक यू.